नवरत्नों में एक रत्न थे अकबर के बीरबल, अकबर के बीरबल बेजोड़ रत्न अनमोल रत्न थे अकबर के बीरबल, अकबर के बीरबल। सूझबूझ के किस्से कहानी हंसी ठिठोली बुद्धिमानी, सूझबूझ के किस्से कहानी हंसी ठिठोली बुद्धिमानी। सरताज थे चालाकी के, सरताज थे चालाकी के अकबर के बीरबल, अकबर के बीरबल। बूढ़े बच्चे सबके प्यारे अजब तरीके न्यारे न्यारे, बूढ़े बच्चे सबके प्यारे अजब तरीके न्यारे न्यारे। चोरों के लिए कोतवाल थे, चोरों के लिए कोतवाल थे अकबर के बीरबल, 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 अकबर के बीरबल। अकबर एंड बीरबल। वो कौन है जो इतनी सुबह पौधों को पानी दे रहा है? ये तो है वो मनुष्य भीखू, सारा दिन गधे की तरह काम करता रहता है फिर भी गालियाँ खाता रहता है। ए, उस तरफ मत देखो, उसकी शक्ल देखी तो हमें भी सारा दिन बस गालियाँ ही खानी पड़ेंगी। हाँ वो है ऐसा मनुष्य भीखू, इतना मनहूस है तो शहंशाह उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? शहंशाह कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो एक नेक दिल बादशाह है, वो गरीब की रोजी रोटी कभी नहीं छीनेंगे। हाँ ये तो सच है, हमारे शहंशाह जैसा रहमदिल इंसान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई है यहां पर? पानी लेकर आओ। सुना तुमने, शहंशाह पानी मंगवा रहे हैं। ओ हाँ, मैं जल्दी किसी नौकर को पानी लेकर भेजता हूं। पानी, पानी। कोई है जो मुझे पानी देगा? शहंशाह पानी मांग रहे हैं और देने वाला कोई नहीं। यहां तो कोई नहीं है, चलो रसोई में जाके देखते हैं। पानी, शहंशाह पानी मांग रहे हैं। अरे कहां मर गए सारे लोग, पानी लाकर दो मुझे। कोई दिखाई नहीं देता, मैं खुद ही जाकर शहंशाह को पानी पिलाता हूं। कोई है जो मुझे पानी लाकर देगा? हुजूर ये रहा पानी। भीखू तुम? जी हुजूर, आसपास कोई नहीं था और आप काफी देर से पानी के लिए आवाजें दे रहे थे। मनहूस चेहरा, वो भी सुबह सुबह, अब पूरा दिन कहीं खराब न जाए। जी हुजूर। क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ शहंशाह को? दिखाई नहीं देता उनकी तबीयत खराब है, ये मनहूस यहाँ क्या कर रहा है? इसकी वजह से ही शहंशाह की तबीयत खराब हुई है। निकलो यहाँ से तुम। मेरा पेट। जल्द से हकीम साहब को बुलाओ। आ, 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 आ,
मेरा पैर। महारानी, एक बुरी खबर है। क्या? शहंशाह ने सुबह सुबह भीखू का चेहरा देख लिया और... शहंशाह ठीक तो है ना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके पिलाए पानी से उनके पेट में दर्द हुआ, वो बिस्तर से गिर पड़े और उनके पैर में मोच आ गई। हकीम साहब को बुलाने कोई गया है कि नहीं? हाँ, वो उनका इलाज कर रहे हैं। बस ऊपर वाले से गुजारिश है कि शहंशाह ठीक हो जाए। चलो चले। अब कैसी तबीयत है आपकी? दवाई से थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। ओह शुक्र है, आज आप सिर्फ आराम कीजिए। शहंशाह को आराम कहाँ महारानी, मेरे दरबार में न जाने से बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। आप जिद क्यों कर रहे हैं? ये जिद नहीं, फर्ज है। शहंशाह सोया रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? शहंशाह सलामत रहे। सबसे पहले बताइए, मंगोलिया से मंगवाई हुई भेड़े पहुंची या नहीं? नहीं जहां पना, चीन के व्यापारियों ने उनसे वो भेड़े हमसे दुगनी कीमत में खरीद ली हैं। बागियों के बारे में हमारे जासूस क्या खबर लेकर आए हैं? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर, बागी हमारी फौजों पर हमला कर सकते हैं। शहंशाह सलामत रहें। रहमान, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर, राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी फौज को हार का मुंह देखना पड़ा और हमारे बहुत से योद्धा भी मारे गए। एक बहुत बुरी खबर लाया हूं हुजूर, आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा रुस्तम चल बसा हुजूर। रुस्तम चल बसा? जी हुजूर, वो तो चल बसा। कैसा मनहूस दिन है, एक भी अच्छी खबर नहीं आई। क्या ये सब उस मनहूस भीखू की वजह से तो नहीं जिसकी शक्ल मैंने सुबह देखी थी? वजह फरमाते हैं हुजूर, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने के बाद चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। उसी की वजह से हमें मंगोलिया की भेड़े नहीं मिली और बागियों ने फिर से बगावत शुरू की। हमारी फौज जो दुश्मनों को चने चबाती थी, उसे भी हार देखनी पड़ी। रुस्तम भी आपका साथ छोड़ गया हुजूर। हो ना हो, ये सब उसी मनहूस भीखू की वजह से हो रहा है। इसके पहले हम पर और आफतें आए, उसे फांसी दीजिए। हाँ हुजूर वाला, उसे फांसी पर लटकाने से हमें छुटकारा मिलेगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले भीखू को फांसी पर लटका दिया जाए। बीरबल, लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। नहीं हुजूर, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जरूर कहो। आपको मंगोलिया की भेड़े नहीं मिली तो इसमें भीखू का क्या कसूर हुजूर? बागी तो अक्सर सर उठाते रहते हैं हुजूर वाला, भीखू उसके लिए कसूरवार कैसे? जहां तक राजस्थान में हमारी फौज की हार का सवाल है, तो लड़ाई के मैदान में हार जीत तो होती ही है हुजूर वाला। हमने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, पर जो हारी है उनके लिए भीखू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिले सुभानी, आपके पसंदीदा घोड़े रुस्तम की मौत का जितना गम आपको है, उतना हमें भी है। लेकिन जरा सोचिए, वो बूढ़ा हो चुका था, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। और रहा सवाल आपके पेट के दर्द का हुजूरे वाला, तो इसमें बेचारे भिकू का क्या कसूर? वो तो पानी पिलाकर आपकी सेवा कर रहा था। मेरे ख्याल से आपके पेट में दर्द कल रात शाही दावत में ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। और आपके पैरों में ये मोच, माफ कीजिएगा हुजूरे वाला, आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है। आप सावधानी बरतते तो आप और यहां मौजूद सब दरबारी भीखू को मनहूस मानते हैं,
लेकिन भीकू के लिए तो सबसे बड़े मनहूस आप ही हैं हुजूरे वाला। आपका कहना है कि सुबह सुबह आपने भीकू का चेहरा देखा, तो उसने भी तो आपका चेहरा देखा। आप तो शहंशाह हैं, जिंदा रहेंगे, लेकिन वो बेचारा आपको पानी पिलाने के जुर्म में लटका दिया जाएगा। जरा सोचिए ये कैसा इंसाफ है जहांपनाह। बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया। तुम न होते तो हम एक बेकसूर को फांसी देकर बहुत बड़ा जुर्म कर बैठते। हम भीखों की सजा वापस लेते हैं और यह हुक्म देते हैं कि अगर आइंदा कोई भी भीखू को मनहूस कहता हुआ पाया गया तो उसे भरे चौराहे पर 100 कोड़े मारे जाएंगे। कौन है? मैं हूं हुजूर, भीखू। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं। भीखू, सामने आओ। तुम्हारा चेहरा तो देख लूं सुबह सुबह। अकबर एंड बीरबल। गंगा ने खाना खाया? नहीं, बस आधी कटोरी दूध पिया है। और वो दवाइयाँ? हाँ, लेकिन क्या फायदा, कोई दवाई काम नहीं कर रही उस पर। उस पर तरस आता है मुझे, बहुत बदकिस्मत बच्ची है वो। 1 साल हो गया उसके आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डाला और उसकी जुबान चली गई। तब से आज तक उसने 1 शब्द भी नहीं बोला है। कोई चमत्कार ही अब उसकी आवाज वापस ला सकता है। हाँ, उसे दवाइयों की नहीं चमत्कार की जरूरत है। क्यों ना हम उसे अंधे बाबा के पास लेकर जाएं? मुझे किसी ने बताया है कि उनके पास लाइलाज लोगों का इलाज करने की शक्ति है। हाँ जरूर, गंगा को उन्हें दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है, शायद वो ठीक हो जाए। ओम क्रम क्रिम केम कालिके विच्छे रिम क्रिम ओम तोम आठ फट स्वाहा। ओम क्रम क्रिम केम कालिके विच्छे आठ फट स्वाहा। अवश्य अवश्य, 1 नहीं 2, 2 एक साथ। 2 एक साथ? हाँ जुड़वा, हाँ अवश्य जुड़वा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, हम लोग बहुत समय से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, एक छोटी सी भेंट लाया हूँ आपके लिए। ओम क्रम क्रिम केम कालिके विच्छे, ओम क्रम क्रिम केम कालिके विच्छे अट्पट स्वाहा। रिम किम नोम तोम अट्पट स्वाहा। यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है वो। हाँ ठीक कहती है तू, यही है जिन्होंने तेरा इलाज किया है। चमत्कार है ये बाबा, अब वाकई चमत्कारी हैं। नहीं नहीं चाचा जी, यही है वो आदमी जिसने मेरे माता पिता को मार डाला। ये साधु नहीं है, खूनी है, मैं इसे पहचान गई हूँ। चुप करो, क्या कह रही है तू? मैं तुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर आया हूँ और देख, तूने बोलना भी शुरू कर दिया है।
इस बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है। नहीं नहीं चाचा जी, ये एक धोखेबाज है, खूनी है। गंगा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू उन पर इल्जाम लगा रही है जिसने तेरा इलाज किया है। अब अगर तूने उनके बारे में एक शब्द भी कहा, लोग तेरी पिटाई कर देंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो तो जन्म से अंधे है, वो तुम्हारे माँ बाप को कैसे मार सकते हैं? इसे माफ करो, ये एक भोली भाली बच्ची है। और तुम एक डाकू हो, एक बेरहम अपराधी। चुप करवाओ इस बच्ची को, कृपा करके इस स्थान की शांति में विघ्न पैदा मत करो। इसे कभी और समय ले आओ, मैं हमेशा के लिए इसे ठीक कर दूंगा। चलो गंगा, यहाँ से चले। नहीं नहीं, मेरी बात पर यकीन करो, यकीन करो, वो एक खूनी है, तुम सबको बेवकूफ बना रहा है, मेरी बात मानो। बंद करो ये बकवास, अगर ये ऐसे ही बक बक करती रही तो मैं इसकी आवाज वापस छीन लूंगा, फिर ये कभी बोल नहीं पाएगी। नहीं नहीं बाबा, नहीं ऐसा ना करें, शायद इसने कोई दाढ़ी वाला डाकू देखा हो और ये आपको वो सोच रही हो। इस पर रहम कीजिए, मैं इसे अभी घर ले जा रहा हूँ। चलो यहाँ से, खबरदार अगर तूने एक भी शब्द और बोला तो। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये एक खूनी है, इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। ओहो चुप करो। वो एक खूनी है, एक खूनी है, मेरा कोई यकीन नहीं करता, उसी की वजह से मैं अनाथ हुई। मेरा कोई यकीन नहीं करता, मेरा कोई यकीन नहीं करता। मुझे लगता है वो सच कह रही है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें मालूम है बाबा अंधे हैं, वो मदद के बगैर अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकते, वो खून और लूटमार कैसे कर सकते हैं? गंगा कभी झूठ नहीं बोलती, वो खूनी नहीं होता तो वो उस पर इल्जाम कभी नहीं लगाती, वो जरूर फरेबी होगा। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग भक्त हैं उनके, अमीर लोगों में भी उनका बोलबाला है, हम पर कौन यकीन करेगा? उसे बेनकाब करते हैं, तुम राजा बीरबल से बात क्यों नहीं करते? वो जरूर हमारी मदद करेंगे, वो न्यायप्रिय आदमी हैं। हाँ वो हैं तो, और वो होशियार भी इतने हैं कि सच का पता लगा ही लेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि राजा बीरबल यहाँ पधारे हैं। एक ऐसे आदमी जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में पहचाने जाते हैं, वो मेरे पास आए। काश काश मेरे पास आंखें होती आप जैसे महानुभाव के दर्शन करने के लिए। कितना अभागी आदमी हूं मैं, कृपया बताए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि शहंशाह अकबर ने आपकी गरीबों के लिए स्वार्थ रहित नेत सेवाओं के लिए आपका आभार प्रकट करने आपको दरबार में बुलाया है। मुझे विश्वास नहीं होता मेरे कानों पर। जल्दी होगा, कल दरबार में आएंगे तब। शहंशाह सलामत रहे। वहाँ शहंशाह वहाँ बैठे हुए हैं। तुम खूनी हो, तुमने गंगा के माता पिता का खून किया है, तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये तो अरे ये अंधा नहीं है, अरे ये फरेबी है। ये अंधा नहीं है,
ये एक फरेबी है। अंधा बनकर और साधु होने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इसे इस घोर अपराध के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए। कैद कर लो इसे, इसकी जमीन जायदाद सब जब्त कर ली जाए, वो सब जो इसने मासूम भक्तों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा की है। शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया राजा बीरबल। बीरबल, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने होशियारी दिखाते हुए खतरनाक अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद की। हुजूरे वाला, इस बात के लिए तो इस बच्चे को इनाम मिलना चाहिए। ओ हाँ, ये वाकई एक बहादुर लड़की है जिसने बिना डरे सच बात कही। यहाँ आओ मेरी बच्ची, ये रहा तुम्हारी बहादुरी का इनाम। अकबर एंड बीरबल। जिले सुभानी, अपनी पत्नी का अपमान कोई कैसे सहन कर सकता है? अगस्त ऋषि भी अहिल्या का अपमान सहन नहीं कर पाए थे। क्रोध में उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम स्वर्ग के राजा हो और केवल वहीं के रहोगे। पृथ्वी पर ना ही तुम्हारी पूजा होगी और ना ही मंदिरों में तुम्हारी मूर्ति। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत अच्छी कहानी है बीरबल। सच कहा हुजूर, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। बीरबल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही और उसे लेकर हम बहुत दिनों से एक उलझन में हैं। कैसी उलझन शहंशाह? यही कि तुम्हारी कहानियों में हमेशा स्वर्ग और नर्क का जिक्र आता है। जी हाँ, आता तो है हुजूर। क्या ये स्वर्ग और नर्क वाकई कहीं हैं, या फिर किस्से कहानियों में ही होते हैं, या फिर ख्वाबों में? हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं? मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग में जाता है या नर्क में। मरने के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं। हुजूरे वाला, शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। क्या बात कर रहे हो तुम, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। आदमी को दफनाया जाए तो वो खाक बन जाता है, जलाया जाए तो राख बन जाता है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। आत्मा बची रहती है हुजूर, वही ले जाती है स्वर्ग में या नर्क में। मतलब ये कि स्वर्ग और नर्क वाकई में हैं? बिल्कुल हुजूर, वो है। अगर हैं, तो हमें भी दिखाई देने चाहिए। हमें स्वर्ग देखना है, तुम्हें हमें स्वर्ग दिखाना होगा बीरबल। हम तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देते हैं, अगर तुमने हमें स्वर्ग नहीं दिखाया तो हम तुम्हें दरबार से बर्खास्त कर देंगे। तारे गिन रहे हो? नहीं, स्वर्ग तलाश रहा हूँ। स्वर्ग? उसे जमीन से कैसे देख सकते हो? यही तो मुश्किल है। शहंशाह स्वर्ग देखने के लिए जिद कर रहे हैं। क्यों? जो बात मुमकिन नहीं शहंशाह उसकी जिद क्यों कर रहे हैं? वो शहंशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम उन्हें स्वर्ग दिखाओगे कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम सोचते रहो, मैं तो चली सोने। शहंशाह सलामत रहें। शहंशाह आलम, आप स्वर्ग देख सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। कब देख सकते हैं हम? हुजूरे वाला, जितनी जल्दी मचान बनकर तैयार हो जाए। मचान? कैसा मचान? स्वर्ग देखने के लिए 100 हाथ ऊंचा एक मचान बनाना पड़ेगा हुजूर। वो इतना मजबूत होना चाहिए कि दरबारियों का बोझ सह सके। तो क्या हमें भी उस मचान पर चढ़ना होगा? हाँ, ताकि ठीक से दिखाई दे हुजूर। स्वर्ग देखने के लिए बादशाह को तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। ठीक है,
हम चढ़ेंगे मचान पर। बीरबल, मचान कब तक तैयार हो जाएगा? सिर्फ 2 दिनों में हुजूरे वाला। माफ करना। बुद्धू कहीं के? माफ करना। मेरा हाथ कब गया? माफ करना, मेरा पैर। अपना पसीना संभालो। कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल, कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? हुजूरे वाला, वो चांद देख रहे हैं? हाँ, चांद तो ये रहा सामने। उसके पास ही देखिए हुजूर। नहीं हुजूर, बाई तरफ नहीं, चांद के दाई तरफ देखिए। कहाँ है वो? रहा हुजूर, वहां जरा देखिए तो हुजूर, स्वर्ग कितना सुंदर है। वो रहे राजा इंद्र, उनका सिंहासन कितना खूबसूरत है। और वो रहा मशहूर कल्प वृक्ष, जरा देखिए हुजूर, अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा, आज तो तीनों अप्सराएं एक साथ आई हैं। कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। आंखें खोल कर देखिए, सब दिखाई देगा। वो देखो ऐरावत, इंद्रदेव का हाथी। बीरबल, हमें भी दिखाओ, कहाँ है ऐरावत? कल्प वृक्ष के नजदीक। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल, आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हम तुमसे झूठ बोलेंगे क्या? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये तो बड़े शर्म की बात है हुजूर। शर्म? कैसी शर्म? बात यह है हुजूर, स्वर्ग जैसी पवित्र जगह सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। हाँ हाँ, ये तो रहा। क्या नजारा है! वो रहा हाथी, वो रहे राजा इंद्र, और वो स्वर्ग की अप्सराएं। हाँ हुजूर, हाँ, हमें भी दिखाई दे रहा है। वो रहा कल्प वृक्ष, वो वहाँ रहा इंद्र का हाथी ऐरावत, वो रही जन्नत की अप्सराएं मेनका, उर्वशी, रंभा। देखा, अब सभी को दिखाई देने लगा एक साथ। इंद्रा का हाथी ऐरावत कितना खूबसूरत था, ऐसा हाथी तो पहले कभी नहीं देखा। और वह कल्पवृक्ष, कितने बड़े पत्ते थे उसके, कहते हैं उसे जो भी मांगो वो मिल जाता है। और हाँ, वो स्वर्ग की अप्सराएं मेनका, उर्वशी, रंभा,
मुझे वो कल रात मेरे सपने में दिखाई दे रही थी। आपने देखा हुजूर वाला, दरबारी स्वर्ग देखकर कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम बहुत चालाक हो बीरबल, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं सारे पापियों को स्वर्ग दिखा दिया। कुछ और भी देखने की ख्वाहिश है हुजूरे वाला? बीरबल एक बात बताओ, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? मैं कैसे देख सकता हूं हुजूर, मैं भी तो औरों की तरह एक पापी हूं। अकबर एंड बीरबल। लगता है ये मौका अच्छा है उसकी खिंचाई करने का। बीरबल हमें जरा पानी पिलाओगे? बीरबल तुम तो पूरे खाऊ हो, देखो कितने खजूर खा चुके हो तुम। हुजूरे वाला, मैंने तो सिर्फ खजूर ही खाए, लेकिन आप तो गुटलियां भी खा गए। जहां पना करामती संदूक तैयार है। दिखाओ तो, ये काम कैसे करता है? लाजवाब, यही तो चाहिए था। बीरबल उस संदूक से एक सेब निकाल कर देना। तो अभी लेकर आता हूं हुजूर। कहो बीरबल कैसी रही? बहुत ही खूब हुजूरे वाला, तरकीब बहुत ही लाजवाब है। दरबार में जाने की बजाय तुम ये अजीब चीजें बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? शहंशाह ने मुझे नीचा दिखाया है और अब मेरी बारी है उन्हें सबक सिखाने की, और ये सारी चीजें उन्हें डराने में मेरी मदद करेंगी। उन्हें नीचा दिखाने से बाज नहीं आओगे, बेहतर होगा दरबार जाना शुरू कर दो। जरूर जाऊंगा, एक महीने की छुट्टियां तो खत्म हो जाए। क्या खबर लाए हो इब्राहिम? कुछ भी तो खास नहीं, लेकिन इर्शालु दरबारी आपके गैर मौजूदगी से काफी खुश हैं। कल शहंशाह के साथ शिकार पर जाने को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। वाह क्या बात है, तुम बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो।
वो रहा। यहाँ से और आगे मत जाइए जहाँ पना, आगे खतरा हो सकता है। नहीं, हमें वो हिरन चाहिए किसी भी सूरत में। रात हो गई है मगर शहंशाह अब तक नहीं आए। बस वो खैरियत से हों। घबराओ मत, सिपाही हिफाजत के लिए उनके साथ है। सिपाहियों, शहंशाह कहाँ है? वो हिरन का पीछा करते जंगल के बहुत अंदर चले गए। हम उनके ही साथ थे मगर ना जाने वो अंधेरे में कहाँ चले गए। बेवकूफो, तुमने शहंशाह को अकेले नहीं छोड़ना था। सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों। कौन है, कौन है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जानते नहीं कि मैं शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ, इस पूरी सल्तनत का शहंशाह। तुम्हारा हुक्म तुम्हारी सल्तनत में चलता होगा, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मैं इस जंगल का राक्षस हूँ। तुम मेरी सल्तनत में क्या कर रहे हो? मैं तो यूं ही शिकार करने आया था। शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ मासूम जानवरों को मारते हो और अपने राज्य की जनता को तुम डराते हो, उन पर अत्याचार करते हो। देखिए, आपको ऐसा कहने का कोई हक। ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। तुमने मेरी सल्तनत के बहुत से जानवरों को मारा है, बदले में अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मुझे मारोगे? नहीं, मुझे मत मारो। रहम करो, माफ कर दो मुझे, आइंदा मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुरंत इस जंगल से भागना शुरू करो, ठीक वैसे ही जैसे वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागा। जल्दी करो। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, संदूक में रखे सेब ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम पूरे एक महीने अपने घर में छिपे रहे। आप ठीक कहते हैं हुजूर, लेकिन मैं हिरन की तरह भागा तो नहीं। बीरबल,
कहिए हुजूरे वाला। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अकबर एंड बीरबल। अरे मुझे अपने साथी दरबारी के ऊपर रहम आ रहा है। जिंदगी की पूरी कमाई इसमें गवा दी है। पहली बार किसी चोर ने इतनी हिम्मत की कि वो हमारे जैसे सुरक्षित इलाके के अंदर घुसा। मैं परेशान हूँ। बहुत ही अफसोस की बात है। वाकई हमें चोर को पकड़ना ही चाहिए। शहंशाहों के शहंशाह, हिंदुस्तान के नूर, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में पधार रहे हैं। जहाँ पना एक चोर मुखौटा पहनकर कल रात मेरे घर में घुस गया। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? इसके पहले मैं अब खतरे की घंटी बजाता, उसने मेरे सर पे वार कर दिया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जहां पना जब मुझे होश आया तो वो मेरे सारे जेवर पैसे लेकर भाग चुका था। 1000 सोने की मुद्राएं और वो मोतियों का हार जो आपने मुझे दिया था, उसने वो भी नहीं छोड़ा। जहां पना ताज्जुब है, जिस इलाके में तुम रहते हो वो शहर का सबसे महफूज इलाका है। जी हाँ हुजूर, उस इलाके के सारे घर पूरी तौर से सुरक्षा के घेरे में हैं। वहाँ से एक सुई तक की चोरी करना नामुमकिन है हुजूर। पहली बार उस इलाके से चोरी का कोई मामला सामने आया है। हुजूरे वाला, मेरा मानना है कि चोर बाहर से नहीं आया है। मतलब क्या है बीरबल? मुझे यकीन है कि चोर उसी इलाके का रहने वाला है। बीरबल, लेकिन उस इलाके के रहने वाले सभी लोग अमीर हैं। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये काम किसी बदमाश नौकर का है? चोर कोई भी हो सकता है, एक नौकर, एक अधिकारी या हम में से कोई दरबारी। तुमने हम पर शक करने की हिम्मत कैसे की? तुमने हमें चोर कहा? बीरबल, मालूम है तुम ये क्या कह रहे हो? अरे सब क्या चोर दिख रहे हैं? वाह, कोई भी हमारे राज्य में कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, खुद बादशाह तक नहीं। यह हमारा फर्ज है कि हम कानून की मदद और रक्षा करें। अगर तुम निर्दोष हो तो तहकीकात से क्यों घबरा रहे हो? हमें पता लगाना है कि मुजरिम कौन है। हम अपनी तहकीकात कैसे शुरू करें बीरबल? बहुत ही आसान है हुजूरे वाला। मेरे पास एक गधा है जिसकी जादुई पूंछ है, मैं उसे लाकर कमरे में रखूंगा। इस इलाके के रहने वाले सभी लोगों को बारी बारी से कमरे में जाना होगा। गधे की पूंछ पकड़कर कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है। पहले हम दरबारियों से शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गधे की मदद से हम उस चोर को जरूर पकड़ लेंगे। तुम अपनी तहकीकात शुरू करो बीरबल। करीम, मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा गधा चाहिए। मेरा गधा? हाँ, तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के।
10 सोने के सिक्के एक दिन के लिए? बिल्कुल, अपने गधे को लेकर मेरे साथ चलो। देखिए हुजूरे वाला, ये वो गधा है जो चोर का पता लगा सकता है। मैं इसे कमरे में ले जाता हूं। दरबारियों, मेरे पीछे आइए। कृपया एक एक करके अंदर जाइए और सुनिए, गधे की पूंछ पकड़कर आपको कहना है कि मैंने चोरी नहीं की। डरिए मत, ये गधा लात नहीं मारता। मैंने चोरी नहीं की। अगला, मैंने चोरी नहीं की। अगला, नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। अगला, क्या सभी दरबारियों ने गधे की पूंछ पकड़ ली है? पक्का है ना? पक्का। मैं अभी पता करता हूं। बारी बारी मुझे अपनी हथेलियां दिखाइए। अपना दूसरा हाथ दिखाइए। तो ये काम आप ही का है, आप ही ने चोरी की है। लानत है तुम पर। गरीब लोग अपनी भूख की वजह से चोरी करते हैं और हम उन्हें कड़ी सजा देते हैं। तुमने एक अमीर आदमी होने के बावजूद ये अपराध किया। माफ कीजिए हुजूर, मैं बूढ़ा हूँ। मेहरबानी कीजिए, मैं मुझे उसके धन को लेकर जलन होती थी। तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। कैद कर लो इसे। लेकिन मुझे बताओ बीरबल, तुमने पता कैसे लगा लिया? हुजूरे वाला, मैंने काले रंग की एक हल्की सी परत गधे की पूंछ पर लगा दी थी।
जो कोई भी उसे छूता उसके हाथ में दाग लगता। सारे निर्दोष दरबारियों ने गधे की पूंछ पकड़ी और उनके हाथों पर रंग का निशान लग गया। चोर को छोड़कर दोषी होने की वजह से उसने पूंछ पकड़ी ही नहीं थी, पकड़े जाने के डर से। मेरी चाल कामयाब हो गई और ये पकड़े गए। कैसी चाल बीरबल, तुम्हारा चमत्कारी गधा तो काफी होशियार है। उसने चोर को पकड़ लिया, वो गधा वाकई काबिले तारीफ है। नहीं नहीं हुजूरे वाला, चोर मैंने पकड़ा है, गधे ने नहीं। वो तो एक आम गधा है, करीम का, जो धोबी है, सोने के 10 सिक्के पे किराए पर लिया है। हम तो मजाक कर रहे थे बीरबल, ये तो वाकई एक बहुत अच्छी तरकीब थी। करीम को सोने के 100 सिक्के दिए जाएं। और सोने के 10 सिक्के बीरबल को भी दिए जाएं। अकबर एंड बीरबल। बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी सिर्फ हंसाते ही नहीं बल्कि इससे सीख भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूरे वाला। बीरबल, एक सवाल और, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी सल्तनत में कितने अंधे हैं? अंधे हुजूरे वाला? हाँ, मेरे हिसाब से जो लोग नहीं देख सकते वो तादाद में ज्यादा है देखने वालों से। जो लोग नहीं देख सकते उनकी तादाद देखने वालों से ज्यादा है? ऐसा कैसे संभव है बीरबल? तुम्हारा मतलब ये कि हमारी सल्तनत अंधों से भरी पड़ी है? जी हाँ हुजूरे वाला। यकीन नहीं होता हमें। मैं साबित कर सकता हूँ हुजूरे वाला, कृपया अंधों की सूची बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए। इस बार ये मुंह के बल गिरेगा। वो ये काम कभी पूरा नहीं कर सकता, नामुमकिन है। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? 5 दिनों में 1 भी मछली हाथ नहीं लगी। चलो घर चलें। हाथ लगी? हाँ? बीरबल की गैर मौजूदगी भी हमें चैन से नहीं रहने देती। शहंशाह उसी का नाम लेते रहते हैं और हमें पूछते भी नहीं। मेरा सर तो शर्म से झुक जाता है खुद को बेवकूफ महसूस करने पर। हाँ? ओ! अरे बुद्धू, सर उठा और देख जो मैं देख रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो राजा बीरबल? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं जूता बना रहा हूँ। हलीम खान। ताज्जुब की बात है, शहंशाह उसे बेशकीमती नजरानों से नवाजते हैं और ये। हाँ, पता नहीं क्यों जूते बनाने की नौबत आ गई। पता नहीं, लेकिन मैंने आज जो भी देखा मैं बहुत खुश हो गया। राजा बीरबल, ये अब क्या कर रहे हैं? जूतों की मरम्मत कर रहा हूँ राजा तोडरमल। राजा तोडरमल। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा बीरबल, एक मोची, ऊपर वाला इन पर इतना बेरहम कैसे हो सकता है?
क्या तुम ये जूता बना सकते हो? जी बेशक। इसे बनाने का कितना देना है? कुछ नहीं, बस छोटा सा काम था। नेक दिल के लिए शुक्रिया। होशियार है, मुझे पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। राजा बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? जूतों की मरम्मत कराओ। अच्छा? मैं जूतों की मरम्मत करो। क्या तुमने खुद अपनी आँखों से देखा? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरे पति जूते मरम्मत कर रहे हैं। राजा बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं सकते? जूतों की मरम्मत कर रहा हूँ मैं। एक एक करके मुझे आपके नाम बताइए। इकबाल खान। इकबाल खान। परमानंद। परमानंद। आलिम खान। तुखी चंद। ओगोरीलाल। आलिम खान। ये तुम क्या कर रहे हो? जूतों की मरम्मत कर रहा हूँ, आपका नाम तो बताइए। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा नाम तो मैं जानता ही हूँ। बीरबल, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो राजा बीरबल? हुजूरे वाला, मैं जूतों की मरम्मत कर रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि मेरा सबसे दिमागदार और अमीर दरबारी इतना छोटा काम कर रहा है। हुजूरे वाला, आन के खातिर किया गया काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आओ बीरबल आओ। शहंशाह सलामत रहें। हुजूरे वाला, आपने जो अंधों की सूची मांगी थी मैंने तैयार कर ली है। क्या मैं देख सकता हूँ? हमारी सल्तनत में इतने ज्यादा अंधे? जी हाँ हुजूरे वाला। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बीरबल, इसका मतलब मेरा नाम अंधों के साथ शामिल करने की गुस्ताखी कैसे की? कृपया नाराज मत होइए हुजूरे वाला, ये सूची एकदम सही है। बाकी सभी की तरह आपने भी मुझे वो करते हुए देखा जो मैं कर रहा था, फिर भी आपने पूछा क्या कर रहे हो बीरबल। बस यही वजह है कि मुझे आपको भी अंधों की सूची में शामिल करना पड़ा हुजूरे वाला। बीरबल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अकबर एंड बीरबल। शहंशाह सलामत रहें। जहां पना, यूनान के सुल्तानत ने आपके लिए ये खत भेजा है। बादशाह सलामत, हमें इस बात की जानकारी है कि आपके दरबार में बहुत से काबिल लोग हैं, लेकिन हमने जिस इंसान के बारे में सुना है वो है बीरबल। खासकर उनकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी। मैं आपका एहसान मंद रहूंगा अगर आप उन्हें शाही दौरे में यूनान भेजकर
हमें भी उनसे रूबरू होने का मौका दें। बीरबल, तुम्हें मेहमान बनकर जाना चाहिए। लेकिन खबरदार, ये सिर्फ एक दावत नहीं है। यूनान के सुल्तान बहुत चालाक हैं। उन्हें लोगों को नीचा दिखाने और बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। मुझे इस बात की फिक्र रहेगी कि सबके सामने कहीं मेरे दरबार के सबसे काबिल आदमी की नाक न कट जाए। फिक्र करने की जरूरत नहीं है जापना। मैं सुल्तान को मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे नीचा दिखा सके। मैं किसी भी हाल में आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा। एक से दिखाई देने वाले सुल्तान? हाँ, यूनान के सुल्तान तुम्हारी अक्ल परखना चाहते हैं। तुम्हें बताना है कि इनमें से असली सुल्तान कौन है। जहापना, आप ही असली सुल्तान हैं। हाँ, ये सच है। हम मुतासर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। लेकिन तुमने पता कैसे लगाया? बात यह है सुल्तान, हूबहू आप जैसे दिखने वाले सुल्तान आप जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको देखते हुए आपकी नकल कर रहे थे। आपके हम शक्ल सिर्फ एक दिन के ये सुल्तान ताजो तख्त पर बेचैन बैठे हुए थे, जबकि आप बहुत सुकून से और शान से बैठे थे। इनमें असली सुल्तान की शान कहां से आती? बस मैंने बड़ी आसानी से पहचान लिया आपको। बीरबल, तुम वाकई बेशकीमती हीरे हो। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली की सड़कों में कितने मोड़ हैं? सिर्फ दो मोड़ है हुजूर, बायां और दायां मोड़। वाह, क्या हाजिर जवाबी है। फिर से दिल बाग बाग हो गया। बीरबल, बता सकते हो कि इंसान ज्यादा से ज्यादा खुश कैसे रह सकता है? अपनी खुशी औरों के साथ बांटकर, जरूरतमंदों की मदद करके। बहुत खूब। अच्छा बताओ, क्या चीज है जो खत्म नहीं होती? वो नाम जो दूसरों के लिए अच्छे काम करके कमाया गया हो। तुम हमेशा किसके कर्जदार रहते हो? अपने माँ बाप के सुल्तान। वो तकलीफें और मुसीबतें झेलकर आपको प्यार से बड़ा करते हैं। वो हमेशा आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिया हुआ हम कभी नहीं चुका सकते। बहुत खूब, क्या जवाब दिया है। अकलमंद है। इल्म का समंदर है ये तो। बीरबल,
आज तक हमने तुम्हारी होशियारी और अकलमंदी की सिर्फ बातें ही सुनी थी, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। हम हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारी इल्तिजा कबूल करके तुम्हें यहाँ भेजा। सुल्ताने यूनान, मेरे शहंशाह जब मुझसे ऊब जाते हैं और मुझसे छुट्टी पाना चाहते हैं तो वो मुझे दूर भेज देते हैं। अकबर एंड बीरबल। शहंशाह आलम, मैं भी बीरबल के चुटकुल और हाजिर जवाबी का कायल हूँ, लेकिन मैं उन्हें तब होशियार मानूंगा जब वो मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दें। कैसा सवाल? मुझे यकीन है कि वो अपनी बीवी का हाथ दिन में एक दो बार तो जरूर पकड़ते होंगे। क्या वो बता सकते हैं कि उनकी बीवी अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? सही कहा हुजूरे वाला, मैं वाकई दिन में अपनी बीवी का हाथ एक दो बार तो जरूर पकड़ता हूँ और अच्छी तरह बता सकता हूँ कि वो कितनी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन उससे पहले क्या मुल्ला दो प्याजा एक आसान सवाल का जवाब दे सकते हैं? उनका हाथ पूरे दिन अपनी दाढ़ी को सहलाता रहता है, क्या मेरे अजीज दोस्त ये बता सकते हैं कि उनकी दाढ़ी में कुल मिलाकर कितने बाल हैं? ये तो वाकई एक मजाकिया सवाल था, सही मौके पर सही सवाल किया तुमने। कैसी रही मुल्ला दो प्याजा? आपकी क्या राय है राजा टोडरमल? जिल्ले सुभानी, राजा बीरबल अपनी होशियारी के लिए मशहूर हैं। उन्हें हराने की बात सोचना भी बेकार है। बीरबल, मुझे तुम पर फख्र है। मैंने बहुत दिनों से तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया। यमुना नदी के किनारे 100 एकड़ उपजाऊ जमीन मैं तोहफे में तुम्हारे नाम करता हूँ। शुक्रिया हुजूरे वाला, आप कितने दरिया दिल हैं। ये हर रोज और अमीर हो जाता है, वो भी फुहड़ चुटकुले सुनाकर। बीरबल, तुम उस जमीन पर क्या उगाने वाले हो? आम, शहंशाह को आम पसंद है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो संतरे भी उगा सकते हैं। अंगूरों का बगीचा क्यों नहीं? मेरे ख्याल से गेहूं और चावल फायदेमंद होगा। सब्जियों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, इन्हें कपास उगाना चाहिए। रुक जाओ रुक जाओ, पहले मुझे जमीन तो मिलने दो, उसके बाद तुम लोग सलाह देना। शहंशाह आप पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। सभी पड़ोसी उस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें यमुना किनारे एक प्यारा सा घर बनाना चाहिए अपने बुढ़ापे के लिए। जैसा तुम चाहो मेरी प्यारी बिरबली, लेकिन फिलहाल तो मुझे खाना खाने दो। बीरबल, जो जमीन शहंशाह ने तुम्हारे नाम की थी उस पर क्या उगाया है तुमने? सपने। सपने? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगता है शायद शहंशाह अपना वादा भूल गए हैं। मैं पिछले एक महीने से उन्हें उनका वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों वो टाल देते हैं। अरे, चहापना ऐसा कर रहे हैं? हाँ, और लोगों ने पहले ही हवा में महल बनाने शुरू कर दिए हैं उस जमीन को लेकर। अच्छा, अगर उन महलों के लिए सिपाहियों की जरूरत हो तो मुझे बताना। बीरबल, देखो ये गुलाब कितने खूबसूरत हैं। जी हाँ हुजूरे वाला, वाकई खूबसूरत हैं। जहाँ पना, मैं आपको आपका वादा याद दिलाना चाहता हूँ। बेवकूफ, उस पौधे को क्यों काटा? कितना पसंद था मुझे। बात यह है जहाँ पना, बाद में बीरबल। खाना जायकेदार है, बहुत जायकेदार। वाकई जहापना, बहुत स्वादिष्ट है। सोचता हूँ इनाम का हकदार है खानसामा। बिल्कुल इनाम का हकदार है खानसामा। हुजूरे वाला, इससे मुझे आपका वादा याद आया है कि वो
लेकिन इतनी मिर्च क्यों डाली है उसने? अभी नौकरी से निकाल दो उसे। बीरबल, तुम जानते हो ऊंट की गर्दन इतनी लचीली क्यों होती है? जी हाँ, मैं जानता हूँ हुजूर। ये ऊंट पिछले जन्म में एक बादशाह था। क्या बेहुदा बात है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता हुजूर? बादशाह पर एक श्राप था। एक दिन एक दरबारी को इनाम में 100 एकड़ जमीन देने का वादा करके वो उसे भूल गए। जब भी दरबारी ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो बादशाह अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ लेते थे। निराश होकर दरबारी ने बादशाह को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वो ऊंट बनेंगे लचीली गर्दन वाला। आओ आओ बीरबल, देखो अब मैं अपनी गर्दन दूसरी ओर नहीं मोड़ रहा हूँ। कल तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया। वादे निभाने के लिए ही किए जाते हैं। ये लो, ये रहा 100 एकड़ जमीन का पट्टा। शुक्रिया हुजूरे वाला, देर से सही याद तो आया। अकबर एंड बीरबल। शुक्रिया जिले सुभानी, एक और चुटकुला सुनाता हूँ। एक अध्यापक छोटे बच्चे से कहते हैं, तुमने अपने जूते गलत पैरों में पहने हुए हैं। छोटा बच्चा अपने पैरों की ओर देखता है और कहता है, पर गुरुजी, मेरे पास तो यही दो पैर हैं। शहंशाह आलम, आपकी हंसी दवा की तरह काम करती है। सुबह से मुझकर बुखार था लेकिन अब एकदम ठीक हूँ। हुजूर आला, आपकी हंसी तो जादुई शरबत की तरह है। जिसने भी नसीब से सुन ली वह ता उम्र जवान बना रहता है। आपकी हंसी तो एक दुआ है, जब जब सुनते हैं जन्नत में अपनी जगह पक्की दिखाई देती है। आपकी सुरीली हंसी सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। खामोश, मुझे चापलूसी पसंद नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। हुजूर आला, ये सच नहीं है। जहां पना, अब जो भी कहें हम करने को तैयार हैं। आपकी खिदमत करने का हमें एक मौका तो दीजिए। जो भी काम हमें सौंपा जाएगा हम उसे सलीके से पूरा करेंगे। मैं जो भी काम तुम्हें दूं उसे कर पाओगे? आपकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं शहंशाह आलम। मैं चाहता हूं तुम में से एक हवा लेकर आए और दूसरा आग, वो भी कागज में। मैं चाहता हूं तुम में से एक हवा लेकर आए और दूसरा आग, वो भी कागज में, वो भी कागज में, वो भी कागज में। कैसे अजीब और नामुमकिन काम दिए हैं हमें। लगता है हमने खुद ही आफत मोल ले ली है।
मैंने तुमसे कहा था ना, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं कागज में हवा कैसे ले जा सकता हूँ? मेरा हाथ देखो, कागज में आग ले जाने के चक्कर में कितना जल गया है। लेकिन अब हम क्या करें? दरबार में जो हमारी खिल्ली उड़ाई जाएगी वो अलग। बस एक ही सहारा है बीरबल, एक वही हमारी मदद कर सकता है। वो हमारी मदद क्यों करेगा? हम ही उसकी शिकायत करते हैं और उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके पास जाने के। तो फिर चलो। सलाम राजा बीरबल। ओह, शहंशाह के खिलखिलाते हुए गुलाब मेरे बागीचे में, वो भी इतनी सुबह सुबह। बीरबल, हमारी मदद करो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें कागज में हवा लेकर जानी है। हाँ, लेकिन कैसे लेके जाऊं? बहुत ही आसान है, कागज का एक पंखा बनाकर शहंशाह के पास ले जाओ। लेकिन मुझे तो आग लेकर जानी है। कागज की एक लालटेन बनाओ, उसके अंदर एक मोमबत्ती लगा दो। आप तो वाकई कमाल के आदमी हैं राजा बीरबल। कागज में हवा आपके लिए हाजिर है शहंशाह आलम। कागज में आग पेश है हुजूर आला। लाजवाब, तुमने एक नामुमकिन काम को बड़ी आसानी से कर दिखाया। शुक्रिया हुजूर आला। लेकिन मुझे सच बताओ, किसने तुम्हारी मदद की? सच सच बताओ। राजा बीरबल ने हुजूर आला। मैं जानता था सिर्फ बीरबल ही ऐसे नामुमकिन काम कर सकता है। अकबर एंड बीरबल। कोई है? मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, खून निकल आया है। सिपाही, हकीम साहब को लेकर आओ फौरन। ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसमें भी कुछ अच्छाई ही होगी। बीरबल, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपना अंगूठा काट लिया है, खून बह रहा है, और तुम कह रहे हो ये अच्छे के लिए हुआ? जी हाँ हुजूर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आजकल तुम बदतमीज होते जा रहे हो। मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें, वरना दोबारा ऐसी हिमाकत करने के लिए तुम्हें सजा से कतई बख्शा नहीं जाएगा। हुजूरे वाला, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, मैं फिर एक बार कहता हूँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो हद हो गई, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बीरबल। तुम्हें इसी वक्त दरबार से बर्खास्त किया जाता है। शहंशाह सलामत रहें, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चुप की बात है, ये जमीन बेकार क्यों पड़ी है? इसमें कुछ पैदा क्यों नहीं किया जाता? आला हजरत, इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता। आंधी आंधी, कहीं छुप जाओ, कहीं दुबक जाओ। बचाओ।
सिपाहियों, शहंशाह कहाँ है? वो हमें नहीं मिल रहे हैं। गुस्ताख कहीं के, फिर से जाओ और वापस तलाश करो। हुजूर, हमने तो सभी ओर देख लिया है। चुप रहो, हम सभी को जाकर शहंशाह को ढूंढना होगा। हाँ चलो, चारों ओर तलाश करें, शहंशाह जरूर मिल जाएंगे। आखिर हमारे शहंशाह कहाँ गायब हो गए? देवी को इस आदमी की बलि नहीं चढ़ा सकते। इसके अंगूठे पर जख्म है। हाँ, इसके अंगूठे पर तो जख्म है। हमारी देवी इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगी। इसे आजाद किया जाए। जाओ और किसी और को लेकर आओ। ईश्वर ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है, दया की है तुम पर। अगर तुम जख्मी नहीं होते तो तुम्हारी जरूर बलि दी होती हमने। हुजूरे वाला, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल, जब मेरा अंगूठा कटा तुमने कहा था जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें दरबार से निकाला तब भी तुमने वही बात क्यों कही? हुजूरे वाला, अगर आपने मुझे दरबार से नहीं निकाला होता तो मैं भी आपके साथ गया होता और कबीले के लोगों ने मुझे पकड़ लिया होता। आपके जख्मी अंगूठे ने आपकी जान बचाई, लेकिन मैं तो अल्लाह को प्यारा हो गया होता, इसीलिए मैंने कहा जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए।
बीरबल, हमारी हथेलियों में बाल क्यों नहीं उगते? जहाँ तक आपका सवाल है हुजूरे वाला, आप रोज इन्हीं हाथों से मुझे इनाम देते हैं, इसी वजह से आपकी हथेली पर बाल नहीं उगते। और तुम्हारे? मैं इन्हीं हाथों से रोज इनाम लेता हूँ, इसीलिए इनमें बाल नहीं उगते। और इन दरबारियों के? ये जलन के मारे अपने हाथ मलते रहते हैं, इसी वजह से इनकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते। अकबर एंड बीरबल। बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको तो मालूम है हुजूर कि वो हमेशा देर से आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसी का फायदा उठाते हैं वो। हाँ। बीरबल ने फिर देर कर दी। वो अक्सर मुझे इंतजार करवाता है। ठीक है, आने दो उसे। आज उसे सबक सिखाऊंगा। सिपाही, जाओ एक बकरी लेकर आओ और ठीक से उसका वजन करो। शहंशाह सलामत रहे। इतनी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ हुजूरे वाला। क्या हम खेल शुरू करें? रहने दो बीरबल, फिर कभी खेलेंगे। अब मन नहीं रहा खेलने का। जहां पना आपने मंगवाई हुई बकरी। वजन कर लिया इसका? जी हाँ हुजूर। बीरबल, मैं ये बकरी तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ 1 महीने के लिए। जब तक ये तुम्हारे पास है, इसकी ठीक से देखभाल होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, इस 1 महीने में इसका वजन न तो बढ़ना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। 1 महीने बाद मैं इसका वजन देखूंगा। अगर इसका वजन बढ़ता या घटता है तो तुम्हारा ओहदा यकीनन छीन लिया जाएगा। जैसी आपकी मर्जी जिल्ले सुभानी। ये इम्तिहान उसकी होशियारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। इस बार वो मुंह की खाएगा। चलो चलो। आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, ये है क्या? ये बकरी कहाँ से ले आए हो तुम? शहंशाह ने मुझे ये तोहफे में दी है। ताज्जुब है, पहली बार तुम्हें इतना सस्ता तोहफा दिया। जानता हूँ वो हर हाल में मुझे मात देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं की चाल से उन्हें हराऊंगा। हुजूरे वाला, ये रही आपकी बकरी। महीने बाद भी इसका वजन ना ही बढ़ा है और ना ही घटा है। ये कैसे हो सकता है? सिपाही, इसका वजन तौल कर बताओ। बीरबल, तुमने इसे खाने को कुछ नहीं दिया।
मासूम जानवर को भूखा रखा? नहीं नहीं जहापना, मैंने तो इसे ज्यादा खाना खिलाया है। मेरी बीवी ने इसका बहुत ख्याल रखा। जहापना, बकरी का वजन बिल्कुल उतना ही है जितना एक महीने पहले था। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं होता। बीरबल, बताओ तो तुमने ये किया कैसे? बहुत आसानी से हुजूर। सेहतमंद रखने के लिए मैं इसे दिन में बढ़िया खाना देता और रात को इसे भूखे शेर के पिंजरे से बांध देता। जो भी ये खाती दहाड़ते शेर के सामने सब हजम हो जाता। इसलिए इसका वजन ना बढ़ा ना कम हुआ हुजूर। अकबर एंड बीरबल। बीरबल, तुम बहुत होशियार और हाजिर जवाब हो। क्या तुम बता सकते हो कि सच और झूठ में आखिर क्या फर्क है? आला हजरत, एक सच और एक झूठ में ठीक वैसा ही फर्क होता है जैसा एक आंख और एक कान में होता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर यही माना जाता है जहापना कि जो हम सुनते हैं वो झूठ हो सकता है, लेकिन आंख जो देखती है वो हमेशा सच ही होता है। वाकई? जिल्ले सुभानी, उस दिन मैंने जो सुना वो अलग था और जो देखा वो उससे अलग। घड़े लीजिए, पानी के घड़े लीजिए, अरबस्तानी घड़े लीजिए, अच्छी कीमत पर घड़े लीजिए, घड़े अरबस्तानी घड़े। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ राजा बीरबल से, बस घर में होने चाहिए। यहाँ लाकर तुमने बड़ा एहसान किया मुझ पर। राजा बीरबल, राजा बीरबल, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, इस आदमी ने मुझे लूट लिया। इसने मेरे सारे जेवर छीन लिए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। नहीं, ये एक झूठी है राजा बीरबल, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी? मेरी जूती, तुझे लगता है राजा बीरबल तेरा यकीन करेंगे? राजा बीरबल, मैं कहीं की नहीं रही, बर्बाद हो गई मैं तो। राजा बीरबल, ये धोखेबाज है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है ये। मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता था और ये बात मैंने इसे बताई, ये राजी खुशी मान गई और मुझे यहाँ ले आई, लेकिन अब गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रही है। देखा आपने राजा बीरबल, पहले इसने मुझे लूटा, फिर ये मुझे क्या क्या नाम दे रहा है, गिरगिट। बस बस रो मत, मुझे बताओ क्या कीमत थी तुम्हारे जेवरों की? तकरीबन 1000 सोने के सिक्के। तुम रुको यहाँ, अभी गिरफ्तार करवाता हूँ तुम्हें। ये लो, ये रहे 1000 सोने के सिक्के, अब घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बीरबल। देखा राजा बीरबल का इंसाफ, चोर। मगर राजा बीरबल, अगर तुम खुद को बेकसूर साबित करना चाहते हो तो जाओ, वो सोने के सिक्के छीन कर लेकर आओ। मगर राजा बीरबल, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। Oh!
मार मार के भुरता बना दिया। नाटक बंद करो। धोखेबाज, अब तक तुम झूठ बोल रही थी। अगर ये पतला दुबला आदमी तुम्हारे हाथों से ये थैला नहीं छीन सका तो ये तुम जैसी हट्टी कट्टी औरत के बदन से गहने कैसे उतार सकता है? इस बार मैं माफ करता हूं, पर याद रखो, इज्जत की रोजी रोटी कमाने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आपका शुक्रिया राजा बीरबल। बीरबल, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उस चालाक औरत को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। हुजूरे वाला, वो औरत हमारे कैदखाने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटी थी। मतलब? मजाक एक तरफ हुजूरे वाला, कभी कभी एक मुजरिम को अच्छा इंसान बनाने के लिए सजा की जगह माफी अच्छी साबित होती है हुजूर। बीरबल, इंसानियत तो कोई तुमसे सीखे। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। लेकिन उससे मैं बिगड़ता जा रहा हूं हुजूर। अकबर एंड बीरबल। हैरत, हैरत की बात है। शहर से इतनी चोरियों की खबरें आ रही हैं। चोर सरेआम खुला घूम रहा है। हमारे सिपाही सो रहे हैं क्या? तुम बताओ मुझे, तुम तो सिपहसालार हो। जोखिम वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है जहाँ बना। लेकिन उसका फायदा क्या? चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लगता है कि चोर बहुत शातिर है और वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। जहाँ बना, इन चोरियों ने शहर के सारे अमीर लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए, पूरे शहर की चौकसी बढ़ा दी जाए। लापरवाही करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। सौ सोने के सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है इन कालीनों के लिए। ये मामूली कालीन नहीं है, पर्शिया से लाए गए कालीन है। अगली बार आओ तो चार और ले आना। जरूर, मैं तो अगले हफ्ते ही जाने की सोच रहा हूँ। रात बिताने के लिए एक कमरा मिल जाएगा? माफ कीजिए, कोई खाली नहीं है। बस रात भर ही के लिए चाहिए, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। अगर कमरा खाली होता तो आपको यहाँ रखने में हमें खुशी होती। अगर एतराज ना हो, क्या मैं वहाँ उस कोने में चादर बिछा कर रात बिता लूँ? नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देते। आजकल शहर में बहुत चोरियाँ हो रही हैं। अगर आप खुले में सोए और लूट लिए गए तो इल्जाम हमारे सर लगेगा। आप उस बात की फिक्र न करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चुराए जाने का डर है। आपका नाम क्या है? राघव। राघव, अगर आप चाहे तो रात मेरे घर में बिता सकते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। आइए मेरे साथ। इसे आदत मत बना लीजिएगा, वरना हमें सराय बंद करनी पड़ेगी। पार्वती, ये आज रात हमारे मेहमान हैं। गर्मा गर्म खाना परोसो इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, आप सफर की वजह से थक गए होंगे, उस कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूध भिजवाता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी जनाब। बंद होने की वजह से बहुत गर्मी है यहाँ, खिड़की खोल लेता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है? जी जनाब। शाबाश, अगर किसी पर भी जरा सा भी शक हो फौरन गिरफ्तार कर लो उसे। जी हुजूर।
कौन है वहां? कौन है वहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत, मुझे जाने दो। पहले बताओ कि तुम इस समय घर के अंदर क्या कर रहे हो और ये तुम क्या लेकर जा रहे हो? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस डिब्बे का माल हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, समझे? शर्म आनी चाहिए, तुम एक सिपाही हो, लोगों की जायदाद की हिफाजत करने के बजाय तुम खुद चोरी कर रहे हो। क्या इस वर्दी का तुम्हें कोई लिहाज नहीं है? साधु की तरह भाषण मत झाड़ और जाने दे यहाँ से मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है, रख लो इसे, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चोर 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 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है चोर? हुजूर, मैंने इस आदमी को कीमती सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है, मैं चोर नहीं हूँ। बकवास बंद करो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मुझे ही लूट रहे थे। लेकिन भाई, मेरा यकीन करो, मैंने ये डिब्बा नहीं चुराया। चुप कर, चल मेरे साथ। सुनकर चैन मिला कि तुम्हारे सिपाहियों ने चोर को आखिर पकड़ ही लिया। शहंशाह सलामत रहे। जहां पना, मैं बेकसूर हूँ, रहम करें, मेरा यकीन करें, मैं चोर नहीं हूँ। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। मुझे सच सच बताओ। मुझे फंसाया गया है राजा बीरबल, मैं बेकसूर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सिपाहियों ने रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं राजा बीरबल, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। जब मैंने उसके साथ चोरी का माल बांटने से मना किया तो उसने मुझे फंसवा दिया। एक सिपाही होने का फायदा उठाया उसने। मैं एक मामूली आदमी हूँ राजा बीरबल, खुद को बेकसूर कैसे साबित करूंगा? इसकी चिंता मत करो, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम अंदर आ जाना और ठीक वैसा ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा है। वैसा ही करूंगा हुजूर। हाँ तो सिपाही, अब बताओ मुझे, तुमने इसे कहाँ पकड़ा? इस इलाके में गश्त लगाते हुए मैंने एक दरवाजा खुलता हुआ देखा, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने देखा कि ये आदमी एक डिब्बा लेके भाग रहा है, मैंने इसे दबोच लिया। राजा बीरबल, राजा बीरबल, मेरा बेटा आपके बागीचे में आम तोड़ते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया है। उसे उठाने के लिए क्या आप किसी को भेज सकते हैं? काफी मोटा है वो। तुम यहीं रुको। सिपाही, तुम और राघव, तुम दोनों तंदुरुस्त लगते हो, जाओ बागीचे से बच्चे को हिफाजत से ले आओ। तुम कंधों को पकड़ो। सुनो भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने ही चोरी की है। तुम चोरी करके भाग रहे थे कि मैंने ही तुम्हें पकड़ा, लेकिन तुमने झूठ बोला और उल्टे मुझे फंसवा दिया। क्यों? मैंने तो कहा था आधा आधा बांट लेंगे आपस में, लेकिन तुम राजी नहीं होगे बेवकूफ। अब भुगतो उसकी सजा। लेकिन हुजूर, मुझे किस बात की सजा मिलेगी जब मैंने चोरी ही नहीं की? चोर तो तुम हो। चोर तुम हो। नहीं, मैं नहीं, तुम चोर हो। तुम चोर हो। तुम चोर हो। तुम चोर हो। हुजूर, ये सिपाही असली चोर है। मैंने इसे कबूल करते सुना कि इसने ही चोरी की है। शर्म आनी चाहिए, तुमने इस वर्दी पर कीचड़ उछाला है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, कैद कर लो इसे। बीरबल, तुम्हारी बेहोश गवाह को इस्तेमाल करने वाली तरकीब कमाल की रही। ये बच्चा मदद करने के लिए 1000 सोने के सिक्कों का हकदार बनता है। क्या? 1000 सोने के सिक्के? अकबर एंड बीरबल।
जिल्ले सुभानी ये आज तक की लड़ी गई लड़ाइयों में से सबसे लंबी थी। हालांकि हम जीत गए लेकिन हमारे 2000 से ज्यादा सिपाही मारे गए और बहुत से योद्धा भी। जहां पना सिर्फ योद्धा ही नहीं, सैकड़ों घोड़े और हाथियों से हाथ धोना पड़ा हमें। ये खूनी लड़ाई थी शहंशाह, लड़ाई का मैदान खून से लथपथ था, दिल दहला देने वाला नजारा था, लाशों चारे और बिखरी पड़ी थी। ये खून खराबे वाली बातचीत, इन्हें सुनकर हमारा दिल बैठा जाता है। ऐसा करते हैं कुछ हंसी मजाक की बात हो जाए। पता नहीं बादशाह क्या सुनना चाहते हैं। जहाँ पनाह मेरे दादाजी की दाढ़ी इतनी लंबी और घनी थी कि पक्षी उनमें घोंसला बना लिया करते थे। जहाँ पनाह मेरे दादाजी की मूछें इतनी घनी और मजबूत थी, वो उससे दो दो बालियां पानी उठा लेते थे। मेरे पिताजी की मूछ तो तलवार से भी लंबी थी। जिल्ले सुभानी, मेरे पास अपने पुरखों के मूछों के बारे में बताने के लिए कोई खास कहानी तो है ही नहीं, लेकिन मुझे अपनी मूछों पर तो नाज है। तुम्हें होना भी चाहिए, मूछ तुम्हें रौबदार बनाती हैं, इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हुजूर आला, मैं तो अपने नाई को भी अपनी मूछों को हाथ लगाने नहीं देता, उन्हें ठीक ठाक रखने के लिए मैं खुद ही उनको काटता हूँ। अगर मैं अपनी मूछें कटवा दूं, तो मेरी बीवी तो मुझे घर के अंदर ही नहीं लेगी। अगर मुझे अपनी मूछें मुंडवाने के लिए कहा जाए तो मैं तो कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। और अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश भी करेगा तो उसका सर कलम किया जाएगा। शहंशाह की मूछें छूने की हिम्मत कौन करेगा? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, कौन अपना सर कलम करवाना चाहेगा? बीरबल, क्या बात है, तुम कुछ नहीं बोल रहे? क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? हुजूरे वाला, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन क्या बीरबल, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत नहीं हो कि अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। वो तो देखने के लिए कमाल का नजारा होगा। बीरबल, तुमने ऐसे कहने की जुर्रत कैसे की? ये शहंशाह आलम की बेइज्जती से खुश होना चाहते हैं। इतनी हिमाकत जहाँ बना, बीरबल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है बीरबल? जिल्ले सुभानी, मुझे यकीन है आपकी मूछें खींचने वाले को जब मैं मिठाई खिलाऊंगा तो आपको भी खुशी होगी। बस बहुत हुआ बीरबल, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुमने कैसे सोच लिया कि कोई मेरी मूछें छुएगा और मैं खुश होऊंगा? अपनी बात साबित करो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों, 9:50 हो रहे हो बीरबल? तुम दरबार से बाहर नहीं जा सकते जब तक अपनी कही हुई बात साबित न करो। वही साबित करने के लिए मैं दरबार से बाहर जा रहा हूँ। जहाँ पना, जरा ये बच्चा कुछ देर के लिए मुझे दे दो। लेकिन राजा बीरबल, अगर इसे कुछ हुआ तो शहजादे मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, इसे कुछ नहीं होगा। मैं इसे बादशाह के पास लेकर जा रहा हूँ, इसके दादाजी। अब सिर्फ ये बच्चा ही मेरी जान बचा सकता है। ये क्या है बीरबल? आपका पोता जिले सुभानी। अच्छा, जरा यहाँ लाओ इसे। देखा जिले सुभानी, ये शैतान आपकी मूछें खींच रहा है और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खुश क्यों नहीं होऊंगा। तो क्या मैं आपके पोते को मिठाई खिला सकता हूँ जहाँ पना? तो अब बताइए हुजूरे वाला, क्या इसके लिए आप अपने पोते का सर कलम करवा देंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुमने ठीक कहा था बीरबल, और तुमने अपनी बात साबित कर दी, इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो। हाँ,
अकबर एंड बीरबल। बीरबल, बहुत गर्मी है, चलो नदी में चलकर नहाते हैं। हुजूरे वाला, मैं घर से कभी नहाए बगैर नहीं निकलता। ऐसी बात है? जी हाँ जहाँपना, बचपन से ही मेरी आदत रही है। पिताजी ने सूरज उगने से पहले ही नहाना सिखाया है। फिर भी तैरने के लिए आ जाओ, थोड़ी ठंडक के लिए। हुजूरे वाला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बदलने के लिए अपने अलग से कपड़े लेकर आता। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। यहाँ नहीं जहाँ पना, कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं जहाँ आपको कोई देख ना सके। ओ, यमुना के पानी को देखकर पल भर के लिए तो हम भूल ही गए कि हम शहंशाह हैं। चलो आगे चलते हैं। जहाँ पना, यहाँ आसपास कोई नहीं है, ये सही जगह है आपके नहाने के लिए। चलो ठंडे पानी का मजा लेते हैं। ये टहनियां इतनी ऊंची हैं, कहाँ रखूं इसे? अब जमीन पर तो नहीं रख सकता। राजा बीरबल तो पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं, ये नहा चुके हैं, जब तक हम ठंडे पानी का मजा लेते हैं ये हमारे कीमती कपड़ों की देखभाल भी कर लेंगे। बीरबल, हमारे कीमती कपड़े कीचड़ में गिराकर खराब मत कर देना। ये लोग और कितनी देर लगाएंगे नहाने में? अच्छा, आज तो इन्होंने मुझे उल्लू बना दिया। बीरबल, शायद तुम थक चुके होंगे। अफसोस है, ऐसी गर्मी में हम तो ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं और तुम एक गधे का बोझ लिए खड़े हो। सिर्फ एक गधे का बोझ नहीं जहाँपना, चार चार गधों का बोझ। बीरबल, एक नंबर के शैतान हो तुम।